हज कबूल हो मुंतकिम कर्रार। उठो, कूफा तुम्हारा मुंतजिर है। मने अशरार, तू ही उम्मीद अंसार, तू ही कातिल कुफार, तू ही कीनाए बेदार, तू ही बंदा होशियार। शुक्रिया, शुक्रिया। मुख्तार, जरा जोर से चिंगार, सरे खल्के खताखार, बस एक बार के डूबी है शबे तार, हुआ मौसम पेकार, वकिना रब्बना अज़ाबन नार। मरहबा, बहुत खूब। क्या ये तुम हो अबू इसहाक? वादा पूरा हुआ इस्माइल, मैंने वादा किया था ना कि आऊंगा। क्या मैं वाकई जाग रहा हूँ? कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? मेरी मौत की खबर के मुंतजिर तो नहीं थे? अगर झूठ सुना चाहो तो नहीं। खुदा तेरा शुक्र है मुख्तार, मुख्तार मेरे भाई। इस्माइल, लोगों से कहो शोर न करें, मसलहत नहीं है। ये कूफा है अबू इसहाक, कूफे में आले जुबैर गूंगे और बहरे हैं। जुबैरियों की आंख और कान से मेरा कोई वास्ता नहीं है, एक माकूल वजह है। लोगो, दुरूद हो आप लोगों पर कि गौहर शनास हैं और मुझे अबू इसहाक की नजरों में सर बुलंद कर दिया है। यकीनन अबू इसहाक मक्के से हमारे लिए कोई कीमती सौगात लेकर आया है। फिलहाल रास्ते का थका हुआ है, अब इसे थकन दूर करने का मौका दीजिए और फिलहाल शोर मत कीजिए। जब मैंने सुना कि जुबैर के बेटे की शराइत के साथ बेयत की है तो तुम्हारा फातिहा पढ़ दिया था और यकीन कर लिया था कि अब मुख्तार के साथ जाने भी होंगी तो भी अपनी जान इन मनहूस जुबैरियों के जाल से किसी तरह नहीं बचा सकेगा। तुमने गलत नहीं सोचा था इस्माइल, अगर खुदा का लुत्फ करम न होता तो मैं आले जुबैर की कीने की आग में जल जाता। ये गिरोह यजीद और उसके साथियों की रविश पर ही चलेगा। जब तुम्हारी बेयत की खबर सुनी तो मेरे तो सींग निकलने वाले थे। तुम्हारा उस मनहूस औलाद से क्या वास्ता? वो हमारे मौला अली के फरमान के मुताबिक जुबैर की वही मनहूस औलाद है जिसने अपने बाप पर भी रहम नहीं किया और जंगे हमल में उसने अपने बाप के गर्दन पर तलवार रखी और उसे उकसाया कि वो अली से जंग करे। इस्माइल, मैंने इस बेत के साथ अपने आप को शियों के इस गिरोह में बदनाम कर लिया है ताकि इस मनहूस औलाद की नहुसत को उन लोगों पर साबित कर सकूं जो उसके दीवाने बने हुए हैं। ये मत भूलना कि अब भी कूफे में बहुत से लोग उस मनहूस औलाद के तरफदार हैं। आज रात अपने भाई के साथ मुझसे मिलने के लिए आओ, कुछ नई बातें हैं तुम लोगों के लिए, सुनोगे तो महसूस होगे। पसंद शौक अमीर, अगर मुझे मुख्तार के सियासतबाज होने का इल्म ना होता तो तुम यकीनन मेरे सर पे दो सींग देखते। आले जुबैर के नमक हलाली करने वाले तो नहीं हुए ना मुख्तार? अब्दुल रहमान, आले जुबैर जो खाना अली के मुहिबों को देते हैं उसमें नमक के बजाय जहर हलाहल डालते हैं। जो शिया जुबैरियों के सुफरे पर बैठता है वो नमक हलाली करने वाला नहीं बनता, मर जाता है।
तो कितनी अजीब बात है कि मुख्तार जिंदा है। मैं जिंदा रह गया क्योंकि जहर की काट अपने पास रखता था। मैंने सुना था कि हुकूमत इराक की शर्त पे तुमने बैत की है। ठीक सुना तुमने। तो तुम हुकूमत के लिए कूफे आए हो? नहीं, मैं कयाम के लिए कूफा आया हूं। यानी तुम जुबैरियों के मुकर्रर करदा अमीर नहीं? मैं अली वालों का अमीर हूं अब्दुर्रहमान। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हें हक है। सियासत उन लोगों के लिए सर चकरा देने वाली है जो सियासत नहीं जानते। इन चक्करों से जान छुड़ाना चाहो तो आज रात मेरे पास आ जाओ। इब्ने हनफिया की जानिब से एक ऐसा हुक्म है मेरे पास कि तुम भी सुन लो तो बुरा ना होगा। जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने शुरह। शियों के शेर के दीदार से हमारी आंखें रोशन हों। तुम्हारी मक्का की दिलावरी और कारनामों का शोहरा तुम्हारे मुरीदों की जबान का विद बन गया था मुख्तार। मैंने सुना है कि यजीदी लश्कर तुम्हारे बाजुओं को इजाज़ देकर अंगुश्ते बदनदां हो गए थे। साहिब, मौजजा मेरा नहीं था जिसने शामी देव को जमीन बोस कर दिया। इश्क अली ने मेरे बाजुओं को ताकत बख्शी थी। अली अली अली, खुदा की कसम अगर दरिया मिल जाए तो मैं भी तैराकी जानता हूं। मेरा सीना इश्क अली से माला माल है। दरिया था एक करबला जैसा साहिब, क्यों नहीं गए? मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं। मुझे मलामत मत करना कि किसी कुत्ते की तरह पिटता रहा हूं। शैतान मुझमें समा गया था और मुझे करबला के भंवर से डरा रहा था। अगर कयाम का इरादा है तो मेरा हाथ हाजिर है। हमारी वादा गाज रात मेरा घर है साहिब। ऐसा हुक्म है इब्ने हनफिया का जिसे तमाम बुजुर्गान शिया को सुनना होगा। ممنون ہوں اماں جان، رنج سفر ایک طرف، اپنی اساس جڑ گھرانے اور قبیلے سے دوری ایک طرف، وہ بھی اس بڑھاپے میں، جفائے آل زبیر ایک لطف ہو گیا مجھ پر کہ اب اپنی ماں کے زیر سایہ زندگی بسر کروں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بڈھے ہو گئے تم خود، مجھ سے زیادہ توقع مت رکھنا کہ میں عمر کے آخری حصے تک کوفے میں رہوں گی۔ بہت جلد مختار قیام کرے گا، آل زبیر کی بساط الٹ کے رکھ دے گا اور میں طائف کی طرف لوٹ جاؤں گی۔ یہ مرد آپ سے کوئی نسبت رکھتا ہے بانو؟ یہ مرد میرا بیٹا ہے۔ मर्द हो गए हो बेटा। आपकी बहुत याद आती थी बाबा। अपनी यादों को जबान पर मत लाओ। क्यों बाबा? यादों का जिक्र करना जंगजू मर्दों को नुकसान देता है। मुझे नजूमी बनने का शौक है बाबा, मुझे जंग अच्छी नहीं लगती। बहुत खूब, इल्म नजूम एक अच्छा इल्म है, मगर तुम नजूमी क्यों बनना चाहते हो? एक नजूमी को आसमान चांद और सितारों से सरोकार होता है।
मुझे नजूमी बनने का शौक है बाबा। मैं खुदा को ढूंढने के लिए नजूमी बनना चाहता हूँ। खुदा हर जगह है बेटा। हाँ, मगर ज्यादातर आसमान में होता है। बेटा साबित, इस बहस को उस वक्त के लिए छोड़ो कि जब मुख्तार थका हुआ ना हो। जो हुक्म दादी जान। मैं लौट आया नारिया, मगर वही हमेशा के मसाइल के साथ। खुश आमदेद मुख्तार, ये घर तुम्हारे बिना बहुत उदास था। दुमा जब आई तो उनके साथ तुम्हारी बूबी आ गई। पता चल गया कि तुम आने वाले हो। आज रात से तुम्हारा घर मैदान जंग है। ताजुब नहीं होगा मुझे, दुमा मुझे सब कुछ बता चुकी है। नायला, बाबा की जान कितनी बड़ी हो गई हो। आपके हाथ चूम लूं बाबा। अम्मा जान आप शर्त हार गईं, बाबा मुझे पहचान गए। खुदा जानता है कि मैं जंग और खूनरेजी पर हरगिज मायल नहीं हूं, मगर मेरा दिल चाहता है कि खुदावंद आलम मेरे भाई और उनके अहले बैत के कातिलों को जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला करे और हमारे खून नाहक का इम्तिहान ले। मुख्तार मेरा अमीन, वजीर और अमीर है। उसे इराक पर मामूर करता हूं ताकि हमारा दिफा करे। जो भी मुख्तार का साथ देगा उसने हमारा साथ दिया। वालैका बतक वल्लाहि मस्तता। ए नौसाफ के साथ हम पर हुज्जत तमाम है। अगर मौला सज्जाद ने अपने चचा मोहम्मद हनफिया को कयाम के मामलात में अपना मुकम्मल इख्तियार वाला वकील बना दिया हो, और अगर इब्ने हनफिया ने इस हुक्म के मुताबिक मुख्तार को अपना अमीन और वजीर बना दिया है, तो फिर जोमाए शिया को बगैर चूचरा के मुख्तार की बैत कर लेनी चाहिए। ये तुम अगर अगर क्यों कर रहे हो अब्दुल रहमान? अगर मैंने अगर अगर कर लिया तो क्या गुना किया? तुम तो यूं अगर अगर कर रहे हो कि जैसे मुख्तार ने ये हुक्म खुद अपने लिए बना दिया हो। इस हुक्म में कोई शुबा है अब्दुल रहमान? इसमें शुबा नहीं अबू इसहाक, सराहत नहीं है। हम उस कयाम पर मामूर किए गए हैं कि जिसमें शियों के इमाम आसिर मौला सज्जाद ने खुल्लम खुल्ला हुक्म क़याम नहीं दिया है, एक जरिया मुअय्यन किया है और उनके उस जरिए ने एक तीसरा वसीला मुअय्यन कर दिया है। उबैदा ने कुछ जल्दी कर ली। मेरा मकसद ये नहीं था कि खुदा नखास्ता मुख्तार झूठा है और ये हुक्म जाली है। मेरे इस अगर अगर की वजह कयाम के हुक्म का गैर वाज़ह और मशकूक होना है। इस हुक्म में यह लिखा गया है कि मैं जंग और खून रेजी पर मायल नहीं हूं, मगर मैं चाहता हूं कि खुदावंद आलम मेरे भाई के कातिलों का किसास करे। या ये लिखा है जो भी मुख्तार का साथ देगा उसने हमारा साथ दिया है। इस हुक्म के मुताबिक इब्न हनफिया ने मुख्तार की ताईद की है, ना कि कयाम मुख्तार की। यानी अगर मुख्तार कयाम करना चाहे तो उसने अपने फतवे के मुताबिक कयाम किया है। अब्दुल रहमान ठीक कह रहा है। यह हुक्म ना कयाम को वाजे कर रहा है और ना इमाम सज्जाद से मंसूब है। मौजू थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। याद होगा कि कूफियों की जानिब से हमारे इमाम शहीद को भेजे गए बुलावे के वाक़े में यही शुबहात पैदा किए गए थे। जनाब सुलेमान सुर्द खुजाई उन दिनों तलवार के क़याम को जायज़ नहीं समझते थे। उनका अकीदा ये था कि जहाद का हुक्म खुद इमाम का वजीफ़ा है। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि उन्होंने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के क़याम को मकरूह ठहराया और पीछे हट गए, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और मौला हुसैन उस वक्त तलवार से क़याम न करने का क्या उज़्र रखते थे, ये कोई छुपा हुआ मौजू तो नहीं, आप सब जानते हैं।
आज मौला सजाद की हिकायत उनके शहीद बाबा के हालात और मसलहत से ज्यादा सख्त है। आज एक नई मुसीबत भी हमारे सरों पर मंडलाने लगी है। मुसीबत दो खानदानों की है, आले उमैया कम थी कि आले जुबैर का भी इजाफा हो गया। अगर आज मौला इमाम सज्जाद अलैह सलाम अपने चचा को वसीला बनाते हैं या अगर उनके चचा खुल्लम खुल्ला हुक्म नहीं देते हैं तो ये सिर्फ यजीदी और जुबैरी फितनागरों के मुंह बंद करने के लिए है, जो बेशक खूब जानते हैं कि आवाम को कैसे फरेब दें। बखुदा कसम बहुत अफसोसनाक बात है कि शिया इतने सारे तल्ख तजर्बों और इतना सारा खून बह जाने के बाद भी इस जैसे शुबहात का दामनगीर हो जाए। मुझे जवाब मिल गया अबू इसहाक, तो तुम मानते हो कि शियों का इंतकाम खून हुसैन के लिए कयाम करना उलमाए शिया का वजीफा है? जी हाँ मानता हूं। तो तुम सुलेमान का क्या करोगे? इब्ने ज़ियाद एक अजीम लश्कर के साथ इराक की जानिब निकल चुका है, सुलेमान और तवाबीन उनसे लड़ने जाना चाहते हैं, उनकी नीयत भी इंतकाम खून हुसैन है। सुलेमान एक साफ सुथरी नीयत रखता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर सुलेमान के पास सियासत है ही नहीं, वो सबको मरने के लिए ले जा रहा है। जंग किसे पैसा ला रही उसे करनी चाहिए जिसे काम का हुनर आता हो, तो अबू इसहाक से बेहतर कौन हो सकता है? सुलेमान मुख्तार को दिए गए हुक्म से बेखबर है, अगर उससे बात करके उसे ये हुक्म दिखा दिया जाए तो वो काने हो जाएगा और मुख्तार की बैत कर लेगा। ये नामुमकिन है कि सुलेमान मुख्तार की बैत के लिए राजी हो जाए। क्यों राजी नहीं होगा उबैदा? वो अपने आप को मुख्तार से ज्यादा आलम समझता है। मेरे मुताबिक बात शरई अहकाम में आलम पर फाल आलम भी होता है। इस हुक्म में तुम्हारे मुताबिक क्याम एक ऐसा शरई वजीफा है जो उल्मा के मिले जुले फैसले के बाद होना चाहिए, और सुलेमान उससे कोई बात ही नहीं है। उबैदा, अबू साहब तुम खुद सुलेमान से बात क्यों नहीं कर लेते? उबैदा ठीक कह रहा है साहब, मेरे और सुलेमान के दरमियान कोई मुआवकत हो ही नहीं सकती। क्यों? क्याम के मामले में मेरी राय सुलेमान की राय से फर्क रखती है। पहली ये कि मैं ये कहता हूँ कि हमें ऐसे लड़ना चाहिए कि जीत जाएं, मगर सुलेमान जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, उसका मकसद सिर्फ शहादत है। सुलेमान की नज़र में जीत का मतलब शहादत है। दूसरी बात यह कि मैं क़याम को कूफे पर तसल्लुत हासिल करने से शुरू करूं। हमें जीतने के लिए कूफे की हुकूमत ज़रूर हासिल करनी होगी, मगर सुलेमान को न तो कूफे की परवाह है और न ही उसकी हुकूमत से लेना देना है। तो फिर क्या करें, या सुलेमान या अबू इसहाक? इसके अलावा कुछ और हुआ तो शिया दो ग्रुपों में बढ़ जाएंगे और निफाक हो जाएगा। खुदा जानता है कि मैं शियों के तकसीम होने पर राजी नहीं हूं, मगर मैं उस जंग में साथ भी नहीं दे सकता कि जिसका अंजाम शियों का कत्लेआम और शिकस्त हो। इब्ने मरजाना एक बड़े लश्कर के साथ इराक का रुख कर चुका है, आप जानते हैं कि उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। सुलेमान एक दफा उसके मुकाबले में मगलूब हो चुका है। अब वाहिद रास्ता जो मेरी नजर में था वो ये था कि आप बुजुर्गान कौम से बात करूं। अगर आप लोगों को मेरी बात हक लगती है तो सुलेमान उसके साथियों से बात करके देख लीजिए। शियों के बुजुर्गों में से कुछ अफराद सुलेमान के साथी हैं, अगर कौम के बुजुर्ग और उलमा मुख्तार की हकानियत पर इत्तफाक राय दिखा दें तो सुलेमान भी मान जाएगा। अगर मैं बात करूं तो मुमकिन है कि वो ये समझे कि मैं हुकूमत की मोहब्बत में मुब्तला हो गया हूं। अगरचे मैं ये भी सुन चुका हूं कि मैं हुकूमत और रियासत के हुसूल के लिए यह सब कुछ कर रहा हूं। अगर मुझे हुकूमत की ज़रूरत होती तो मैं आले ज़ुबैर की बैत नहीं रहता और पिसारे ज़ुबैर की दी हुई हुकूमत को ना ठुकराता। उसने मुझे कूफे की हुकूमत दे दी थी, मैंने इनकार कर दिया क्योंकि आले ज़ुबैर को बरहक नहीं जानता था। सुलेमान को अगर पता होता कि बिन यजीद किस लिए कूफा आ रहा है तो एक लम्हे की ताखिर के बगैर मेरी बैत कर लेता। आज रात कौन सी तारीख है? मुख्तार की बातों को जहन नशीन कर लीजिए। बिन यजीद कूफे की जानिब से इसलिए मामूर किया गया है ताकि शियों को शियों के हाथों ख़त्म कर दे, यानी बिल्कुल वही काम जो मलून इब्ने मरजाना ने किया। मौला हुसैन को बुलाने वालों को ही मौला हुसैन के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। बिन यजीद जैसे ही कूफा पर मुसल्लत होगा सबसे पहला काम यही करेगा कि तवाबीन की हिमायत करेगा और उन्हें इब्ने मरजाना से लड़ने के लिए भेज देगा। मैं तो अबू इसहाक की हकानियत को मान गया। अब मुझे समझ आया कि अबू इसहाक की पिसरे जुबैर से बेहत किस हिकमत के तहत थी।
ابو اسحاق کی حقانیت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے اسماعیل، مجھے تو لگتا ہے کہ جناب سلیمان بھی بالآخر مختار کو اپنا سربراہ مان لیں گے۔ ہاتھ بڑھاؤ مختار، ہمیں بیعت کرنی ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ خدایا میرے ہوشیار بیٹے کو توفیق دے کہ وہ فرزند رسول کے خون کا انتقام لے سکے۔ اگر عامر کو ابن زبیر نے چنا ہوتا اور عامر کوئی خطا کر گزرتا تو اس کا گناہ خلیفہ کے سر ہوتا کہ اس نے صحیح انتخاب نہیں کیا ہے، مگر عامر تو آپ لوگوں کا چنا ہوا شخص تھا، خلیفہ نے آپ کی رائے کو محترم ٹھہرایا اور آپ کے انتخاب پر بھروسہ کیا اور اس کی چند سالہ عزت و آبرو برباد ہو گئی۔ خلیفہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجرموں کو امان دے۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ خلیفۃ المسلمین جو چاہے کر گزرے، مجرموں سے انتقام لینا خدا کا حکم ہے۔ آل زبیر اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے انتقام خون حسین کا پرچم سب سے پہلے لہرایا۔ اگر آج کوفے میں آواز یا لسارات الحسین بلند ہے تو ضعیف تخار درود خدا ہو ان مومنین پر جنہوں نے اپنے آپ کو تواب کہلایا ہے اور خدا کے دین کی نصرت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ توابین کا جو ارادہ ہے وہی زبیری خلیفہ کا ارادہ ہے۔ آل زبیر بھی یہی نعرہ لگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یا لسارات الحسین۔ دیکھ رہے ہو عبد الرحمن، آخر وہی ہوا نا جس کی مختار نے پیش گوئی کی تھی۔ ظاہر ہے مختار سالوں اس گروہ کے ساتھ رہا ہے اسماعیل، اسے ان کے ہر حربے کا اندازہ ہونا بھی چاہیے۔ تم اب تک مختار کے بارے میں تردد رکھتے ہو عبد الرحمن؟ مجھے ڈر ہے کہ اس گروہ کی سیاست بازیاں مختار میں بھی سرایت کر گئی ہیں اسماعیل۔ اپنے دل کو صاف کرو آدمی۔ ایک خطرناک شک میری جان کو لاحق ہو گیا اسماعیل، میں مکہ جا کر ابن حنافیہ سے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے تواب پیر و مرشد پر، شاباش اس حسن انتخاب پر، بے شک توابین کا عنوان بہت بامانے ہے۔
ज़ई नसीब आप लोगों के कि अपने नफ्स अम्मारा को जलील कर चुके हैं। आप जैसे मोमिनीन उम्मत के फख्र का बाइस हैं। खुदा आप लोगों के दराजात मजीद बुलंद फरमाए। खुश आमदी, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। आपकी खिदमत में अर्ज है कि मैं कूफे के पिछले वाली की नादानी की बिना पर तवाबैन से माजरत खाई पर मामूर हुआ हूँ, और मुआफ़ी के अलावा मुझे ये हुक्म है कि तवाबैन की तहरीक से हर तरह से हिमायत करूं। आपको तो पता होगा कि इब्न ज़ियाद एक बड़े लश्कर के साथ इराक की तरफ निकल चुका है। सुना है कि आप उससे कस्द जहाद रखते हैं। हमारी मदद और हमारे बैतुल माल के पैसे को कबूल फरमाइए। ये जो आपने कूफे के पिछले हाकिम की गिरी हुई और तौहीन आमेज हरकत की माफी मांगी, तो मुझे आपका उज्र कबूल नहीं करना चाहिए, खुदा को कबूल करना चाहिए। हुसैन खून खुदा है, एहानत खून हुसैन एहानत खुदा है। और तवाबीन के जहाद का जहां तक मसला है, जी हाँ करेंगे इंशाअल्लाह। तौफीक मिली तो तवाबीन अपने शहीद इमाम के कदमों में बोसा देकर एक नई करबला आबाद करना चाहते हैं। और आप लोगों की मदद की जहां तक बात है, इस पर गौर किया जा सकता है। आपकी तमाम तर बातें, ख़ास तौर पर आपने कूफे के दारुल हुकूमत में दाखिल होते ही जो बर्ताव उमर साद लईन और शिमर खबीस के साथ किया, और उसके अलावा जो खुतबा आपने मस्जिद कूफा के मेंबर पर दिया और जो बयानात दिए हैं, वो हम तक पहुँचे हैं। आपने बातों में तो अपनी भाईचारगी जाहिर कर दी,